सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में है स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर इंजन के साथ में। और ये 1.5 लीटर TSI इंजन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। 150 PS की पावर, 250 NM ऑफ टॉर्क, इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर नहीं दी गई है। सबसे पहले चलते हैं और इसको चला के देखते हैं कि चलाने में ये कार कैसी फील होती है। यहाँ पर आप लोगों को जो सेटअप वगैरह मिलता है, जो पूरा कंप्लीट कार का लेआउट है, एक डिटेल वॉक अराउंड में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आप लोगों ने वो वॉक अराउंड नहीं देखा है तो जाके आप प्लीज़ देख लो। और अभी फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करने वाला हूँ इस ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया के 1.5 लीटर इंजन के साथ में। चलिए चलाते हैं। तो DSG गियरबॉक्स के साथ में मेरे पास में ये कार अवेलेबल है। प्राइस जो है वो कार की आ गई है, प्राइस है 17.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडल जो मैं अभी ये चला रहा हूँ इसकी। चलिए चलाते हैं। इनिशियली जब आप इसको चलाना स्टार्ट करते हैं तो कार जो है वो खुद से क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। इंजन स्टार्ट है, ये चीज़ आपको पता नहीं चलती है जब तक कार चलती है। 20 की स्पीड जब क्रॉस होती है, गियर हल्का सा जो चेंज होने का आपको पता चलता है अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो। अदरवाइज ये गियर बॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथेस्ट गियर बॉक्स है, वन ऑफ द स्मूथेस्ट गियर बॉक्स है ये सेगमेंट के अंदर, और यही चीज़ इसको बेस्ट बनाती है अपने सेगमेंट में। ओके, मैं को इधर नहीं जाना, ये रॉन्ग साइड है, आई एम रियली सॉरी, मेरे को यहाँ का थोड़ा सा रास्ते का नॉलेज नहीं था। ओके, अभी गो। तो मैनुअल शिफ्टिंग, स्पोर्ट्स मोड, सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और थैंक यू सो मच ब्राइट स्कोडा जिन्होंने ये कार लैंड करी मुझे ताकि मैं अच्छी तरीके से इसको समझ पाऊँ। और अगर आप लोग भी दिल्ली NCR रीजन में रहते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ब्राइट स्कोडा का नंबर जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, वहाँ पर वो एक्सपीरियंस सेंटर स्कोडा का सबसे बड़ा शोरूम है ऑल ओवर इंडिया में, और वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं जाके कोई भी कार अगर आपको स्कोडा की परचेज करनी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूइंग एंगल से। तो कार नो डाउट काफ़ी बढ़िया व्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, कहीं कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आती है किसी भी व्यूइंग एंगल से रिलेटेड। आप अगर ORVM की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। IRVM जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो आपको व्यू दे सकता था, बिकॉज जो पीछे का सेडान है ये तो स्लोपिंग आपको मिरर मिलता है तो उससे व्यू इतना ज़्यादा नहीं आता है। बट हाँ, ठीक ठाक सा आपका काम जो है वो हो जाता है, आपको एक अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा कि हाँ आपकी गाड़ी कहाँ पर कितनी आगे है, पीछे आपकी जो गाड़ी है वो उससे कितनी डिस्टेंस पर आपको चलना है, या पीछे कोई आ रहा है डीपर वगैरह दे रहा है तो वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर दिया हुआ है। डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा सामान रखने की स्पेस दी हुई है। और अग्नोमिक वाइज कार की अगर बात की जाए तो सभी चीज़ें रीच में है, कहीं कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आती है, सभी चीज़ें आप लोगों को हाथ में रहती है, हैंडी है। मेरी हाइट 5'10" है, नॉर्मल बिल्टअप की पर्सन हूँ मैं, तो ऐसा मत सोचना कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी रीच में आ रही है या मेरी हाइट कम है तो नहीं आएगी। ईजिली जो है वो आपकी सभी चीज़ें रीच में आ जाती है। सीट हाइट एडजस्टमेंट दी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सीट जो है ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो एक कमांडिंग पोजीशन पे भी आप काफ़ी अच्छी जो है बैठ जाते हैं। सेडान है बट 179 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, तो काइंड ऑफ सब कॉम्पैक्ट SUV वाला फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर फील होता है। बट जो सीट का लेआउट है या जो सिटिंग की हाइट यहाँ पर रखी गई है उससे ऐसा फील होता है कि हाँ कार जो है वो सेडान वाला कंफर्ट भी दे रही है बट SUV वाला स्टांस आपको दे देती है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, कि आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो, कार नीचे से टच नहीं होने वाली है। बट हाँ, अगेन आपको ये चीज़ बता दूँ, 179 mm है, दैट डजंट मीन कि आप कहीं पर भी लेके चले जाओ, बिकॉज आगे इसका जो बोनेट है और जो पीछे बम्पर है वहाँ पर अप्रोच एंगल और जो डिपार्चर एंगल है वो इतना ज़्यादा इनमें नहीं होता है कि आप ऑफ रोडिंग या बहुत ही ज़्यादा ख़राब सड़कों पे लेके चले जाओ, बट फिर भी काफ़ी ख़राब रास्तों पे आप इन कार्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊँ कि इस कार के अंदर जो गेयरबॉक्स है वो कैसा है, तो DSG एक कमाल का गेयरबॉक्स आपको है मिलता है और काफ़ी बढ़िया जो है आपको गियर के रेशोज़ मिलते हैं, अच्छी टाइम पे ये शिफ्ट कर देता है। अभी जब मैं चला रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मुझे हाँ सेकंड गियर कब आया था वो पता चला था बिकॉज इंजन की हल्की सी नॉइज़ हुई थी। बाकी वहाँ से यहाँ आपसे बात करते करते आया हूँ, अभी काय में चल रही है वो यहाँ पर अगर देख रहा हूँ फोर्थ गियर में है कार, अराउंड 1200 RPM के आसपास रेव कर रही है, 40-45 की स्पीड के इन बीच में चल रहे हैं। माइलेज एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है, उससे कैसा मिल रहा है। तो 18 के आसपास का कंपनी क्लेम करती है, मुझे हैज़ ऑफ नाउ 12-13 के आसपास का माइलेज जो है वो मिल रहा है अगर अच्छे से चला रहा हूँ तो। थोड़ा सा भी एक्सेलरेट करता हूँ तो माइलेज डेफिनेटली सिंगल डिजिट के अंदर जो है वो आ जाता है। और माइलेज कितना मिलेगा ये एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं बता सकता हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा मैंने इसको नहीं चलाई, 30-40 किलोमीटर के आसपास इस कार को चलाई है, तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही होने वाला है। कार की स्टेयरिंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा कैलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है।
लाइट ही फील होता है बट कनेक्टेड फील होता है. लाइक अगर थोड़ा सा इधर करता हूँ तो आपको पता चलता है कि कार की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत ज़्यादा प्ले दे दिया है या लाइक अनयूजफुल प्ले वहाँ पर है, या कनेक्टेड जो कार का लाइक फील होना चाहिए ना कि आप कार से बिल्कुल कनेक्टेड हो, जो जर्मन वाली वाइब्स है वो कम्प्लीटली इस स्टेयरिंग के साथ में आ जाती है. और हाई स्पीड पे भी मैंने इसको चला के देखी, 100 and 120 के आसपास करके देखा, तो बहुत ही ज़्यादा वेट वहाँ पर नहीं था बट एक डिसेंट सा वेट वहाँ पर था कि हाँ कार आपके कंट्रोल में रहेगी और कार की जो स्टेयरिंग है उसका फीडबैक आपको एक्यूरेट आएगा. और सेगमेंट की अगर बात की जाए तो अगेन ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेयरिंग जो अभी मैं चला रहा हूँ कार का है विथ कैलिब्रेशन, कि जैसी आप कार की परफॉर्मेंस आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंगली स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी बड़ी आपको फील होता है. और स्टेयरिंग की रीच एंड जो हाइट है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो ब्रेक्स का लाइक सीन ये है कि अगर आप हल्का सा टैप करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ब्रेक्स को लाइक जो ब्रेकिंग है उसने टायर को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक पैड्स जो हैं वो आपकी डिस्क प्लेट को पकड़ना स्टार्ट कर दिए, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करते हैं तब आपको हार्ड बाइटिंग जो है वो मिलना स्टार्ट होती है. बट कोई स्पंजी वाला फील यहाँ पर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला भी नहीं है. डिसेंट सा परफॉर्मेंस जो है वो ब्रेक का रखा गया है. अगर नॉर्मल आप ब्रेक करते हैं तो वो कार स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप एकदम से लाइक अगर स्पीड में चल रहे हैं और ब्रेक करा तो कार जो है वो आगे से नीचे भी होती है, इतनी लाइक हार्ड बाइटिंग जो है वो भी ये ब्रेक आपको ऑफर कर देते हैं. तो ब्रेकिंग जो है वो भी डिसेंट हो जाएगी, बट अगेन ब्रेकिंग के ऊपर पूरा कमिटमेंट मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज 3-4 लोग जब कार में बैठे हो, आप हाईवे वगैरह पे चला रहे हो, इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह आए, या आप प्रॉपर तरीके से लाइक कार को लाइक माउंटेन्स वगैरह में लेके जा रहे हो वहाँ पर आपको ब्रेक्स करने पड़ते हैं, वो सिचुएशन जब मेरे पास में कार लॉन्ग टर्म के लिए आएगी कंपनी से स्कोडा से अगर आती है तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊंगा. इन मेरा डेप्थ रिव्यू जो है वो रहेगा, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन में कार काफी अच्छी फील हो रही है. अब बात करते हैं इसके इंजन के ऊपर, तो 1 लीटर या 1.5 लीटर कौन सा लेना चाहिए. मैंने 1 लीटर भी चला लिया है, 1.5 लीटर का इंप्रेशन मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं. 1 लीटर वाला इंजन उन्हीं को लेना चाहिए जिनको बजट का बहुत ज्यादा पंगा है कि यार बजट जो है वो आपका कम है, आपको इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आपको एक सेडान चाहिए, सिटी में ही मोस्टली चलानी है, आपके घर में भी सभी लोग चलाते हैं, ज्यादा आपको पावर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 1 लीटर इंजन ले लो. परफॉर्मेंस वगैरह काफी बढ़िया है, बट जो बॉडी टू वेट रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली वो इंजन मेरे को थोड़ा सा छोटा फील होता है इस कार के अंदर. ये इंजन जो है वो परफेक्ट फील होता है, और उस इंजन में जो है वो वाइब्स आती है वही 3 सिलेंडर वाली. नो डाउट टर्बोचार्ज है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है, वो भी 110 PS 178 Nm के आसपास का टॉर्क देता है. बट ये वाला इंजन जो है 150-250 लाइक बोलने में जो है ना वो चीज फील होती है ऑन थ्रॉटल, लाइक आपको पुश करना है बैंग ऑन, लाइक आपको जो है काफ़ी बढ़िया मज़ा जो है उसके अंदर आता है. आगे होंडा सिटी चल रही है, इससे ड्रैग रेस करी है मैंने, कंपैरिजन करा है, तो वो भी मे बी पॉसिबल चैनल पे शायद वीडियो आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आने वाली होगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आ गई होगी तो नहीं मिल रही है, लाइक लिंक नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर मार्क करके रखना है ताकि आपको जैसी नोटिफिकेशन लाइक वीडियो में डालूँ नोटिफिकेशन मिल जाए और वो भी सारी चीज़ें आप देख पाओ. That's all. And ब्रेक सस्पेंशन से रिलेटेड बात करते हैं, ब्रेक की बात कर ली. सस्पेंशन जो है वो आपको जो ट्यूनिंग मिलती है वो ना ज़्यादा कम्फर्ट की साइड में मिलती है और ना ज़्यादा स्टीफर साइड में मिलते हैं. सस्पेंशन डिसेंट से, अगर छोटे मोटे लाइक गड्ढे वगैरह आते हैं तो वहाँ पर अंदर जो आवाज़ आती है वो अच्छी नहीं लगती है कि यार ये आवाज़ क्यों आ रही है. बट अगेन जो लाइक स्पीड में अगर आप चल रहे हो तो ठक ठक करके कार जो है वो निकल जाती है, तो वहाँ पर आपको फील होता है कि अरे आपने एक जर्मन कार ऑन करी हुई है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है वो है. ग्राउंड क्लियरेंस अब ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है मुझे इसका ये बॉडी रोल जो है वो शो हो रहा है, क्लियरली आपको बॉडी रोल जो है वो शो हो जाता है. और जब आप ऐसी हाई स्पीड पे होते हैं तो आपको थोड़े से सस्पेंशन ऐसा लगता है कि और ज़्यादा स्टीफर साइड होने चाहिए, बिकॉज ये जो इंजन है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आपको देता है. 1 लीटर इंजन के साथ में अगर आप चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ठीक है अच्छा है कैलिब्रेशन, बट अगर 1.5 लीटर इंजन के साथ चलाओगे ऐसा लगता है थोड़ा सा और स्टीफ कर देता है. बट अगर थोड़ा सा स्टीफ और ज़्यादा कर देते तो फिर बात वही हो जाती है कि कम्फर्ट जो है वो थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता था. बट अभी जो है वो डिसेंट है, और जो सेडान है यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट पे 20 लाख के आसपास आप इसको परचेस करोगे वहाँ पर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग शायद होते नहीं है, और अगर है भी तो आपका काम जितना पे कर रहे हो उतना आपको रिटर्न जो है वो मिल रहा है. इंसुलेशन की बात करते हैं, केबिन इंसुलेशन NVH वगैरह कैसा है, तो NVH अगेन जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे ऐसा थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता था नो डाउट, बिकॉज अभी जब मैं 40-50 की स्पीड पे चल रहा हूँ वहाँ पर भी मेरे को टायर नॉइज़ जो है वो अंदर केबिन के अंदर आ रही है, फील हो रही है कि लाइक टायर जो है वो उसके मूव कर रहे हैं हर एक चीज़ है. बाकी बाहर से जो साउंड है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है कि लाइक ट्रक पास में चल रहा है, ट्रक की साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो चीज़ अंदर इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है. इंजन की नॉइज़ डेफिनेटली आती है जब आप इसको हार्ड ड्राइव करते हो,
तो यहाँ पर इंजन की नॉइज़ आती है 260 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो यहाँ पर वो ये बताता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि 220 kmph के आसपास की स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो होने वाली है। अगर इन फ्यूचर कभी मौका मिला कि इसको रेस्ट ट्रैक पे BIC वगैरह पे लेके जाने का, तो वहाँ पर मैं टॉप स्पीड भी इसकी चेक करूँगा। FM वगैरह चलता है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर ये जो DSG गियरबॉक्स दिया हुआ है, वेंटिलेटेड सीट है, बट जो अर्गोनॉमिक वाइज ये जो लॉक सिस्टम है या ऑटो ऑन ऑफ का बटन है वो लेफ्ट साइड में दे दिया, जबकि दो यहाँ पर डमी बटन छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और ये चीज़ और ज़्यादा यार ये मेरे को बहुत बुरा लगता है, बट अभी एक्चुअली ये कार मेरी नहीं है। मैं हर बार मेरी कार के अंदर कुछ देने के लिए रखता हूँ तो मैं इन लोगों को दे देता हूँ खाने का, बस पैसे नहीं देता हूँ मैं, बट अभी मेरे पास था नहीं इसलिए मेरे को इग्नोर करना पड़ा। वो हर्ट होता है मेरे को, बट अब मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं था अभी। हाँ, तो लेट इट बी। अभी यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर सीन ये है कि इसका जो इकोनॉमिक वाइज ये जो दो स्विच है ना वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। वो अब यार ये रोड गलत क्रॉस करी, अभी लाइट बंद थी तब उसने क्रॉस नहीं करी और अब क्रॉस करी, तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो ट्रैफिक जो है अपना थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होगा और आप इजीली जो है वो जल्दी घर पहुंच पाओगे। तो अगेन रोड्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, सब बीच में ऐसे खड़े होते हैं वो सब चीज़ें ना करो, ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्कोडा पे आ जाते हैं। मैं सब ये सब चीज़ें देखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ उन सब चीज़ों पे। तो यही चीज़ें हैं, मेरे को कार काफ़ी मज़ा आया, लाइक चला के एंजॉय करा मैंने। 1 लीटर चलाई थी, मेरे को अच्छी लगी थी, बट ये चलाई तो मेरे को फील आई कि यार स्कोडा ने कुछ करा है कुछ। होंडा सिटी के बाद में एक कोई सेडान आई है जिसको चलाने में मज़ा आ रहा है पेट्रोल इंजन में, और एक अच्छी वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक कार जो है वो चलती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। ब्राइट स्कोडा का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर से एक बार चेकआउट करें। लिटरली यही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, बाकी रिव्यू में आप कुछ देखना चाहते हैं डेप्थ में मैं टेस्ट करके आपको बताऊं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लाइक मैं कमेंट पढ़ूंगा और जो रिव्यू रहेगा मेरा वो आपकी कमेंट के ऊपर रहेगा। जो भी आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। अब थोड़ा सा जो है ट्रैफिक वाला एरिया है, तो चलो चलते चलते मैं ये भी आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करते हुए ही चलता हूँ कि ट्रैफिक में क्या कुछ चीज़ें फील होती है, कैसी कार जो है वो लगती है चलाने में। 360 कैमरा देना चाहिए था यार, 360 कैमरा नहीं है। जो आगे होंडा सिटी चल रही है उसमें लेन कीप असिस्ट वाला लेन कीप वॉचिंग वाला फंक्शन जो है वो आता है, ताकि आपको लेफ्ट साइड में अगर कोई गाड़ी वगैरह आ रही है, ओवरटेक कर रही है या कोई है, तो वो आपको वार्न करता रहता है और वो यहाँ पर दिखता रहता है। वो चीज़ यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, तो ये एक चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं कार के अंदर। लाइट जो है वो ऑटो हेडलैम्प फंक्शन के साथ में आती है, और ऐसे ब्रेक्स लगा रहे हैं लोग तो वो चीज़ काफ़ी गलत है। रोड क्रॉस कर रहे हैं गलत जगह से, ये क्रॉसिंग है नहीं बेसिकली यहाँ पर। उधर आगे एक लाइट है जहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए, बट शॉर्टकट मारने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया में कॉमन है और होती रहती है, इसको फेस करना आपको आना चाहिए। बट अगर अपन लोग सुधरते रहेंगे ना तो एक एक दो तीन ऐसे नंबर्स में सुधरेंगे तो लोग फिर आगे गिनती बढ़ती है सुधरने की। वो सब चीज़ें पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर है, पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने में मज़ा आता है, बट लाइक हाईवे पे अगर जब चलाने को मिलेगा तभी मैं उसके बारे में ज़्यादा लाइक कमिटमेंट अपना दे सकता हूँ, कुछ कमेंट्स उसके ऊपर कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू हैव वन, और होंडा सिटी में भी वो चीज़ होती है, वरना में जो है पैडल शिफ्टर्स नहीं है तो उस चीज़ की वहाँ पर आपको कमी महसूस होती है। वरना से भी एक कंपैरिजन जो है मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ, उसके अंदर आप क्या कुछ देखना पसंद करेंगे वो सब चीज़ें बताओ। ओवरटेक करने में कोई परेशानी नहीं है, फटाक से इंजन जो है वो आपको एक पावर देता है और आप अच्छी तरीके से जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं, आपको प्लान नहीं करना पड़ता है, आप खुद जब इच्छा हो तब आप ओवरटेक करो। तो यही सभी चीज़ें हैं इस प्यारी सी कार के बारे में, और बस इतना ही मेरे को बताना था। अब अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो कमेंट कर दो या इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ लो। बहुत सारे लोग लाइक उन लोगों का यही डाउट था कि होंडा सिटी परचेस करें या ये करें, तो मैंने इसलिए कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।